स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आज देखिए हम लोग फोर फाइव सिक्स सेवेंथ के लिए एक स्पेशल चैप्टर जो एकदम अच्छे से समझा करके इसको बताऊंगा। अगर मजा आएगा तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति में न्यूज पे सुनते हैं मिलियन बिलियन थाउजेंड, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे और कैसे इसको हम लोग समझेंगे, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू क्या क्या सीखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का नामकरण, दूसरा प्लेस वैल्यू देखेंगे, तीसरा फेस वैल्यू देखेंगे और इनके बीच का हम लोग डिफरेंस भी सीखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे। ये चार पांच टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। देखिए बाबू यहाँ पे कितना कितना डिजिट, ये है वंस पीरियड, इसमें कितना है तो 1 2 3 4 पीरियड्स, और सारे पीरियड में तीन तीन पीरियड को दे रखा है। जैसे वंस वाला में जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 2 3 5 1 8 9 7 2 8 6 1 5, मैंने ये नंबर ले लिया। पहले एक चीज ध्यान दीजिए, पीरियड होता है 4, वंस थाउजेंड मिलियंस बिलियंस, इंटरनेशनल में लाख करोड़ नहीं होता है। ओके क्या सुने, इंटरनेशनल में लैक्स और करोड़ नहीं होता है। अब देखिए वंस में वन टेंस हंड्रेड्स एक साथ बोलना है, थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एक साथ बोलना है, मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन एक साथ बोलना है, बिलियन टेन बिलियन हंड्रेड बिलियन एक साथ बोलना है। जैसे ये जो नंबर बना है देखिए नंबर क्या बना है 5 1 6 8 2 7 9 8 1 5 3 2, यहाँ मिटाते हैं 5 3 2। अब जरा डिजिट काउंट कीजिए, डिजिट कैसे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल डिजिट कितना हुआ, डिजिट टोटल कितना हुआ बाबू, तो कहिएगा 12। देखिए 3 3 9 3 3 6 3 9 और 3 12 डिजिट का नंबर हुआ। इसको इंटरनेशनल में नामकरण करना है, इंटरनेशनल में क्या करना है नाम, पहले यूज द कॉमास। तो देखिए बाबू प्रत्येक पीरियड में तीन तीन नंबर छुपा हुआ है 3 3 3 3, तो इसका रूल है दाएं साइड से इंटरनेशनल में थ्री डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर देखिए थ्री डिजिट है कि नहीं है, है तो फिर कॉमा, फिर देखिए थ्री डिजिट है कि नहीं तो है तो कॉमा। अब कॉमा का यूज करके क्या फायदा होगा ये मैं बताऊंगा। देखिए वंस वाला तो यहाँ है, थाउजेंड वाला है यहाँ, और ये मिलियन वाला है, ये बिलियन वाला है, तो आप बोलिएगा इसको एक साथ 516, क्या बोलिएगा 516, ठीक है 16 बोलिए, ये टोटल नंबर को आपने बोला 516। देखिए किस पीरियड में आ रहा है, तो ये जो है आपका किस पीरियड में आ रहा है, बिलियंस वाले में, तो लगा दीजिए बिलियंस, क्या लगा दीजिए बिलियंस। उसके बाद आपको किस पीरियड में आना है, मिलियंस, तो टोटल नंबर को बोलिए 827 827, क्या बोलिएगा 827। आइए किस में है तो मिलियंस में, तो क्या लिखेंगे मिलियंस, क्या लिखेंगे मिलियंस। ओके अब देखिए कहाँ आना है, थाउजेंड में, तो फिर एक साथ बोलना है 900 980 81 81, अब किस में है तो थाउजेंड, थाउजेंड टी एच ओ यू एस ए
LDS thousands. अब देखिए किसमें है 532, एक साथ वंस को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे 500 532. समझ में आया? तो किसी भी नंबर का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे अगर कॉमाज का यूज कर दिया है, ये चार्ट नहीं है तो वंस में, अब ये हो गया आपका थाउजेंड्स में, ये हो गया मिलियंस में, ये हो गया बिलियंस में. तो आप लोग एक नंबर का नेम लिखिएगा, जैसे मैं दे रहा हूं 6 8 2 9 4 2 8 2 1 9 2 1. यूज द कॉमास एंड राइट द नंबर्स नेम. अब आप इसको सीख गए नंबर नेम को कैसे हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल में और उसका वर्ड में नाम कैसे. अब देखिए आप इसको आप करिएगा, कॉमाज का मैं यूज कर दे रहा हूं, थ्री डिजिट कॉमाज का यूज हो गया, वंस प्लेस है ही. अब देखिए 100 प्लेस वंस प्लेस है, 1000 प्लेस है, प्लेस है और मिलियंस प्लेस है और बिलियंस प्लेस है. तो 682 बिलियंस, 942 मिलियंस, 921 समझ में आया? तो आप किसी भी नंबर को इंटरनेशनल में लिख सकते हैं. देखिए इसमें लैक्स करोड़ आया नहीं आया. अब देखिए हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हम लोग क्या देखेंगे डिफरेंस. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या देखेंगे डिफरेंस. पहले देख लेते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इन द गिवन, यूज द गिवन डिजिट 5 3 6 2 9. डिजिट कितना है बाबू 1 2 3 4 5. विदाउट रिपीटिंग करके, विदाउट रिपीटेशन किसी नंबर का करके 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, डिजिट 5 ही है तो क्या है रूल समझिए. बड़े नंबर से शुरू कीजिए, मतलब बड़ा, उसके बाद देखिए कौन बड़ा, उसके बाद देखिए कौन बड़ा, उस कंडीशन में लिखिए. तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या बनाना है 5 अंकों की बिना किसी संख्या का पुनरावृत्ति किए. तो सबसे बड़ा संख्या कौन है 9 है ना. उसके बाद 4 बच गया तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 6. उसके बाद 3 बच गया तो उसमें, मतलब 3 संख्या तो उसमें कौन है बड़ा 5. उसके बाद 2 बच गया इसमें कौन है बड़ा 3. उसके बाद है 2. तो आपका नंबर बन गया 96532. ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक कितना हूं डिजिट दिया रहे और ग्रेटेस्ट पूछे उतना डिजिट का, तो रूल यही है कि बड़े संख्या से शुरू कीजिए. अब यही पे स्मॉलेस्ट बनाना होता है, स्मॉलेस्ट यानी छोटी संख्या बनाना होता है. इसी डिजिट का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाइए. तो छोटी संख्या से शुरू कीजिए, उल्टा. सबसे छोटा कौन है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 9. तो 23,569. और इसके बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है, इसके बीच में भी आमने सामने लिख करके क्या कीजिएगा डिफरेंस निकाल दीजिएगा. अंतर पूछ सकता है कि इस डिजिट का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाइए, छोटी संख्या बताइए और उसका अंतर बताइए. अंतर मतलब डिफरेंस, घटाव कर लोगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट. हाँ अच्छा ये बात है 3 0 5 8 9, ये 5 डिजिट है. लो एक और डिजिट ले लेता हूं इधर 2 और 1, इससे मिला करके 7 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो मैंने जो अभी कहा कि छोटी संख्या से शुरू करना है स्मॉलेस्ट, तो अगर आप गलती से पहले 0 लिख दोगे तो 0 का नंबर के आगे कोई वैल्यू नहीं होता है, 6वें डिजिट का नंबर हो जाएगा. इसलिए जब 0 कंडीशन में दिया हो, स्मॉलेस्ट बनाना हो, तो 0 को सेकंड स्टेप पे रखेंगे. अब इसमें चेक कीजिए 0 को छोड़ के सबसे छोटा कौन है, तो 1 है. तब 0 लिखिए, तब कौन छोटा है 2 है, तब कौन है 3 है, तब कौन है 5 है, तब कौन है 8 है, तब कौन है 9 है. तो 7 अंकों की
बिना रिपीट किए स्मॉलेस्ट बन गया। ग्रेटेस्ट तो आप समझ रहे हो, बड़ी संख्या से शुरू करना है 9, 8, 5, 3, 2, 1, 0। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना सीख गए, नंबर नेम करना सीख गए इंटरनेशनल में। अब सीखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और उसमें डिफरेंस। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जैसे देखिए 4, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 1, इसमें आपको सर्किल डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है जी? प्लेस वैल्यू। तो किस प्लेस पे है? इंडियन सिस्टम में ही जानिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 लाख। नहीं समझ में आ रहा है तो जहां नंबर है लिखिए, उसके बाद जितना डिजिट है जीरो लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हुआ आपका प्लेस वैल्यू। क्या हुआ? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान। ओके, अब किसी नंबर का फेस वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर है वही, जो चीज है वही। हिंदी होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान फेस वैल्यू का। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। अब इसका क्या पूछा है? डिफरेंस। तो आप डिफरेंस कर लीजिए, घटा लीजिए, तो ये कैरी करेगा ना, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, ये सब क्या हो जाएगा? 9, 9, 9, 9, 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे ही प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिएगा, नंबर्स नेम इंटरनेशनल में लिखिएगा, कॉमा का यूज कीजिएगा, ग्रेटेस्ट बनाइएगा, स्मॉलेस्ट बनाइएगा। एक ही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अगर मजा आया हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, मतलब आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मजा आया हो तो आप कमेंट जरूर करोगे, लाइक करोगे, मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स।